أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین اکرام یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج رمضان المبارک شریف کے اس انتہائی جمعہ مبارکہ میں جمعۃ الوداع کی اس مبارک اور مقدس مجلس میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں پروردگار نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات و انعامات کے ذریعے سے جمعۃ الوداع جیسی مقدس اور بابرکت مجلس یہ بابرکت وقت یہ رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ساعتیں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے اور آج کی اس مقدس اور بابرکت مجلس میں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ اقدس میں اپنے گزشتہ سال بھر کے تمام گناہوں سے توبہ و استغفار کی سعادتیں حاصل کریں گے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے معزز سامعین اکرام اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو یعنی کہ گناہ کر بیٹھو اپنے نفس کی بات سن بیٹھو اور جب تم سے یہ گناہ ہو جائے غلطیاں ہو جائے جب تم اپنے نفس کو قابو نہ پا کر شیطان کی حوس کا شکار ہو چکے ہو
शैतान के मकर व फरेब में फंस चुके हो तो अकाली सलात व सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तो वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हों, वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हों। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जब वो फिर अल्लाह के दरबार में पलट कर आ जाएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे, जब वो फिर अपने परवरदिगार से मुआफ़ी मांगेंगे, अपने रब की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करेंगे, तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम आप उनको सुना दीजिए इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बड़ा रहीम और लतीफ़ खिताब है, और ये खिताब बराहे रास्त अल्लाह ने गुनाहगार खताकार सियाकार उम्मत के लिए अपने हबीब के ज़रिए से फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद नहीं फरमाया कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे तौबा करो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल, ऐ हबीब पाक आप फरमा दीजिए। आप ज़रा गौर करते चले कुरान पाक में जहाँ जहाँ भी बख्शने की बात आई, मगफिरत की बात आई, रहमत की बात आई, अता की बात आई, नवाजिश की बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से ख़िताब किया और कहा हबीब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए। क्यों? इसलिए गए हबीब अलैहिस्सलाम इन पर जो रहमत नाजिल होने वाली है, जो इनको तौबा और बख्शिश मगफिरत और नजात मिलने वाली है, ऐ हबीब आपके ज़रिए से ही मिलने वाली है, आपके वसीले से मिलने वाली है। तो गोया जो नेमत आपके वसीले से मिलेगी तो खिताब भी आपके वसीले से ही किया जाएगा, खिताब भी आपके तवस्सुल से ही किया जाएगा। ऐ हबीब पाक अली सलाम आप फरमा दीजिए कि जब ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें, जब ये अपने आप पर जुल्म कर बैठें, जब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में मुबतला हो जाएं, तो इनसे कहें कि ये अल्लाह के दरबार में दौड़े दौड़े चले आएँ, भागे भागे चले आएँ, मुआफ़ी मांगने चले आएँ, अल्लाह की बारगाह में गिरिया विजारी के लिए चले आएँ। मुअज़्ज़ज़ शामईन इकराम, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस खिताब को आप समझें तो एक अल्लाह की रहमत हमें समझ में आएगी कि अल्लाह कितना बड़ा रहमान है, कितना बड़ा रहीम है, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। मुअज़्ज़ज़ शामईन इकराम, पहले हम अपनी तबीयत अपनी मिजाज को देख लें। हम वो लोग हैं जो हमारा दुश्मन अगर हमारे साथ चंद गलतियाँ कर जाए या हमारा अज़ीज़ रिश्तेदार हमारी चंद नाफरमानियाँ कर दें तो हम उससे रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। बीवी अगर नाफरमान हो जाए तो शौहर रिश्ता तोड़ देता है, औलाद अगर नाफरमान हो जाए तो बाप आँख के जरिए रिश्ता तोड़ देता है, रिश्तेदार अगर नाफरमान हो जाए तो सलाम कलाम बंद करके इंसान अपना रिश्ता तोड़ देता है। हालांकि ना बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची थी, हालांकि बात ना मारम तोड़ी तक पहुंची थी, हालांकि बात ना कोर्ट और कचहरी तक पहुँची थी, बात बात थी, जुबान जुबान का कलाम था, कलाम कलाम में इंसान रिश्ते तोड़ लेता है। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की तबीयत है, और ये इंसान की अपने अंदर की रहमत है। कितनी है इससे इंसान अपनी रहमत का अंदाज़ा कर सकता है। जब उसको अपने अंदर की रहम का अंदाज़ा हो जाए तो फिर वो खुदा के रहम को आसानी से समझ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, आप ज़रा गौर करके देखिए, यह खिताब अल्लाह जिंदगी भर नमाज पढ़ने वाले नमाजियों से नहीं कर रहा है, ये खिताब अल्लाह का जिंदगी भर रोजा रखने वाले रोजेदारों से नहीं है, हर साल हज करने वाले हाजियों से नहीं है, बार बार ज़ियारत मुस्तफ़ा करने वाले ज़ाइरीन से नहीं है, बल्कि यह खिताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों से कर रहा है, खताकारों से कर रहा है, सियाहकारों से कर रहा है, जिनकी ज़िंदगियां नाफरमानियों में गुजर गई है, जिनकी खताएं, जिनके खताओं के गोदाम जमा हो गए हैं, जिनके पास लफ्जिशों के अंबार जमा हो गए हैं, जिनके पास गुनाहों के समंदर जमा हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहगारों से कह रहा है, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी नाफरमानी की, मुझे छोड़ा, मेरे दुश्मन शैतान को तूने अपना आइडियल बनाया, तू मुझे भूल गया और शैतान के मकर फरेब को तूने कबूल कर लिया, तू मेरी रहमतों को भूल गया और तूने शैतान को अपना जो है नमूना बना लिया और उसके नक्शे कदम पर तू चलता रहा, जबकि मैं बार बार तुझे रोकता रहा कि शैतान के नक्शे कदम पर मत चल, शैतान के नक्शे कदम पर मत चल, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हें दोजख के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा करेगा, लेकिन ए बंदे तूने हरगिज मेरी कोई बात ना सुनी, लेकिन
आज का दिन बड़ा मुकद्दस दिन है। ऐ मेरे बंदे, ये जुमातुल विदा की मुकद्दस घड़ियां हैं, ये लैलतुल कदर की मुकद्दस साहते हैं, ये रमजान का बाबरकत महीना है। और इस महीने में मैं बड़े बड़े जालिमों को भी माफ कर देता हूं, तू तो छोटा गुनाहगार है। ऐ मेरे बंदे, आ जा, आज तौबा कर ले, मुझे मेरे रब होने की कसम, मैं तुझे बख्शने को तैयार हूं, मैं तुझे माफ करने को तैयार हूं। और हमने पूछा, ए अल्लाह, हम तो इतने बड़े गुनाहगार हैं परवरदिगार, हम इतने बड़े खताकार हैं मेरे मौला, हमारे नामे आमाल में 70 साल के गुनाह लिखे हैं, हमारे नामे आमाल में 50 साल 60 साल के गुनाह लिखे हुए हैं, हमारे नामे आमाल 90% गुनाहों से भरा है, हमारा नामे आमाल 99% गुनाहों से लबरेज है, हमारा नामे आमाल 30 साल के गुनाहों से भरा हुआ है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे, तू अपने गुनाहों को क्यों देखता है, मेरे कलाम को तो पढ़ ले। मैंने ऐलान कर दिया है, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह वो है जो सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, सारी खताओं को माफ कर देगा। बंदे, तू अपने 70 साल गुनाह को क्यों देखता, अपने खुदा की रहमत को क्यों नहीं देखता है, अपने रब की रहमत को क्यों नहीं देखता। आ बंदे, आज तौबा कर ले, मैं माफ करने को तैयार हूं। मुअज्जज शामीन इकराम, लोग जुमातुल विदा का मतलब समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहनना, पानी नहा लेना, सुरमा लगाना, इतर लगाना और मस्जिद में आके बैठ जाना, इसका नाम जुमातुल विदा नहीं है। जुमातुल विदा का माना है आज के जुमा में अपनी बख्शिश करवा लेना, आज के जुमा में अपनी मगफिरत करवा लेना, आज अपने मौला से मुआफी मांग कर आइंदा साल का इस बात का अहद कर लेना कि ए अल्लाह, आइंदा रमजान तक मैं गुनाहों से बचा रहूंगा, मैं खताओं से बचा रहूंगा, मैं लग्जिशों से बचा रहूंगा, और मैं अब तेरी बारगाह में तुझसे वादा करता हूं कि मौला, जो गुनाह हो गए माफ कर दे, आइंदा फिर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। इस बात के लिए अल्लाह ने हमको जुमातुल वदा दिया है। मुअज्जज शामीन इकराम, ये जुमातुल वदा का माना क्या है, ये रमजान का आखिरी जुमा, ये जाता है तो मुसलमानों के गुनाहों को साथ में लेकर चला जाता है, मुसलमानों की खताओं को साथ में ले जाता है, मुसलमानों की बदकारियों को साथ में ले जाता है। मुअज्जज शामीन इकराम, वो तो रब है जिसकी जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत का क्या ठिकाना। अरे आज उसकी मोहब्बत ही तो है, आप भी जिंदा नजर आ रहे हैं, मैं भी जिंदा नजर आ रहा हूं, ये उसी की मोहब्बत है मेरे भाई। आज आप भी सलामत हैं, मैं भी सलामत हूं, ये उसी की मोहब्बत है। आप अपने बीवी बच्चे भाई बहन के साथ हैं, मैं अपने बीवी बच्चे भाई बहनों के साथ हूं, ये उसी की मोहब्बत तो है। आज इस जमीन पर हमारे लिए रोजी भी निकल रही है और रात को हमें चैन की नींद भी आ रही है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। वरना प्यारे दोस्तों अगर आप हम गौर करेंगे तो पता चलेगा, बनी इसराइल में अगर कोई शख्स गुनाह कर देता और रात सो जाता, सुबह उठता, उसका कल का गुनाह आज उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता था कि ये कल क्या गुनाह किया था, क्या जिना किया था, क्या चोरी की थी, क्या बदकारी की थी, दूसरे दिन पेशानी पर लिख दिया जाता। उस वक्त तक वो गुनाह लिखा हुआ होता जब तक कि उसका रब उसको माफ नहीं फरमा देता, तो उस वक्त वो इंसान ना किसी की मजलिस में जा सकता था, ना किसी के दरमियान हो सकता था, ना किसी के जो है खानदान खबीलों में मुलाकात कर सकता था, ना रिश्तेदारों अजीजों के पास बैठ सकता था। क्यों? उसकी बदकारियां उसके पेशानी पर लिखी हुई होती थी। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा। मुअज्जज शामीन इकराम, आप जरा गौर करिए, जब से पैदा हुए हैं गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है, लेकिन आज फिर तौबा करने आए हैं, फिर वजू करके आए हैं, फिर नमाज पढ़ के आए हैं, फिर रोजे रखे हैं। 14वीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा है, 14वीं के चांद की तरह चेहरा चमक रहा है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को छुपा दे, मैंने तुम्हारे नबी की दुआ कबूल की, तुम्हारे गुनाहों को छुपा दिया, तुम्हारी खताओं को छुपा दिया, रहमत वाली चादर से मैंने तुम्हारे गुनाहों को छुपा दिया। मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे गुनाह छुप गए और तुम रब को लाइट ले लो, रब की बारगाह में तौबा ना करो, रब की बारगाह में मगफिरत ना चाहो। दो, इसका मतलब यह नहीं है तुम्हारे गुनाहों को छुपा दिया गया, मतलब यही है कि तो आओ, जो राज की बात है राज में रहने दो और राज में आ जाओ, सच्चे दिल से तौबा कर लो, वो गुनाह मैं ऐसे मिटा दूंगा महशर में फरिश्ता भी पहचान नहीं पाएगा, खबर का फरिश्ता भी देख नहीं पाएगा, और दोजख के ठिकाने भी तुम्हें सुन नहीं सकेंगे, ढूंढ नहीं सकेंगे, मैं उन गुनाहों को ऐसे छुपा दूंगा। मुअज्जज शामीन इकराम, आइए आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को लूटने का है, अपने परवरदिगार को मनाने का दिन है। मुअज्जज शामीन इकराम, एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, अल्लाह की रहमत कैसी शान वाली है, अल्लाह ने अपनी रहमत का हिस्सा
अपने मुस्तफ़ा को अता फरमाया, अपनी रहमत का हिस्सा अपने मुस्तफ़ा को अता फरमाया, तो उस नबी की रहमत को देखो, खुदा की रहमत खुद समझ में आ जाएगी। जो रहमतुल आलमीन अपने रब के फजल से बने हैं, उस रहमतुल आलमीन की शान तो देखो। फरमाया गया एक शख्स नबी पाक रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में आया और आकर अर्ज करने लगा, सांसों का चलना मुश्किल है, उसके बगैर मेरी जिंदगी का गुजरना मुश्किल है, ऐ आका ऐ नामदार मुझे उस बात की इजाजत दे दें जो आपके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार की बात है। आका इनामदार मदरी ताजदार ने पूछा, वो कौन सी इजाजत तुम तलब कर रहे हो? वो सहाबी ने, वो मुसलमान ने अर्ज किया, आप मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए, मुझे बदकारी की इजाजत दे दीजिए, मुझे गुनाह की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अल्लाह अल्लाह, अगर आज का मौलवी होता तो छड़ी हाथ में लेता, पीट पीट कर उसकी चमड़ी निकाल देता और माहिर मार मार के अपने दरबार से हकाल देता। लेकिन अल्लाह अकबर, वह रहमतुल आलमीन मुस्तफ़ा है, वो सारी कायनात को अपनी दामन रहमत में छुपाने वाले आका हैं। गुलाम का ये सवाल सुने, जलाल में नहीं आए, जलाल में नहीं आए। आज का मुसलमान बड़ा कमजोर हो गया है, हमारे बच्चों को अल्लाह का तारुफ देते हैं, अल्लाह मारेगा, बेटे ऐसा काम मत करो अल्लाह जला देगा, बेटे ऐसा काम मत करो अल्लाह दोजख में डाल देगा। ये ऐसा तारुफ अल्लाह का देने वाला जालिम मुसलमान है। अल्लाह जला देने का नाम नहीं है, अल्लाह मारने का नाम नहीं है, अल्लाह दोजख में डालने का नाम नहीं है। अरे बच्चों को गुनाहों से बचाना है तो अल्लाह का तारुफ जालिमाना स्टाइल में पेश मत करो, बल्कि यूं कहो, बेटे ऐसे मत करो वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, बेटे ऐसे काम मत करो क्योंकि अल्लाह ये काम को पसंद नहीं करता, बेटे ये काम मत करो क्योंकि अल्लाह ताला को ये काम पसंद नहीं है, ऐसा तारुफ दो। मगर अपने बच्चों को जब बताना हो तो ये बताओ, बेटे अल्लाह उस जात का नाम है कि तुम पूरी जिंदगी गुनाह करो, एक बार सच्चे दिल से तड़प जाओ, सजदे में सर उठाने से पहले जो बख्श दे वो अल्लाह कहलाता है, जो सजदे में सर उठने से पहले माफ कर दे वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। अल्लाह की जात पर ईमान रखना चाहिए, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ने अपने आप को जब्बार और कहार कहकर बहुत कम तारुफ करवाया, रहमान और रहीम कह के हर बार तारुफ करवाया है, रहमान और रहीम कह के हर बार तारुफ करवाया है। आज उसकी रहमत लूटना है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अब वो रब की रहमत है, अब ये जरा मुस्तफा की रहमत तो देखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ना डांटा, ना हुजूर ने जलाल वाला चेहरा बनाया, ना हुजूर ने नाराजगी का इजहार किया, ना हुजूर ने उस पे गैज़ व गज़ब का इजहार किया, बल्कि कुर्बान जाए मेरे आका ने मुस्कुराया। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने मुस्कुराया, मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम गुनाह करो और तुम्हें गुनाह की इजाजत दी जाए? बोले जी हाँ या रसूल अल्लाह, इसके बगैर मेरा गुजारा नामुमकिन है, क्योंकि मैं इस अपने नफ्स का गुलाम बन चुका हूँ, मेरी ख्वाहिशात नफसानी मुझे तबाह कर चुकी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू सही दरबार में आया है, किसी और के पास जाता तो दोजख के ठिकाने हो जाता, तू उस दरबार में आया है जहाँ से रहमतों के समंदर लुटाए जाते हैं, जहाँ से करोड़ों उम्मतियों को बख्शाया जाएगा, तू तो एक आया है और तमन्ना लेकर आया है, लोग करके भी आए तो बख्श दिए जाएंगे, तू तो सिर्फ तमन्ना लेकर आया है, तू तो इजाजत मांगने आया है, मुजरिम भी आके खड़ा होता है बगैर देखे माफ कर दिया जाता है। मुअज्जज शामी ने कहा, आका अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान की इस ख्वाहिश और हवस को खत्म करने के लिए वो जुबान जिसका कलाम अल्लाह ने वही इलाही कहा है, वो जुबान जिसके कलाम को अल्लाह ने अपना कलाम कहा है, उस जुबान को जंबिश दी और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे गुलाम, जरा इतना तो बता दे, तू जिस खातून से जिना करना चाहता है, किसी ना किसी खातून से तो तू जिना करना चाहेगा? बोले जी हां, मैं किसी ना किसी खातून से जिना करूंगा, जरा मुझे इतना तो बता, तेरे घर में भी चंद खवातीन रहती है? कहा जी हां या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी चंद खवातीन रहती है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर तेरे घर में मां है, कोई शख्स तुझसे इस बात की इजाजत मांगे कि वो तेरी मां से जिना करना चाहे, क्या तू इजाजत दे सकता है? कहा या रसूल अल्लाह, खबरदार, मैं उस शख्स का गला काट दूंगा मगर इजाजत नहीं दूंगा। फिर उसके बाद हुजूर ने पूछा, क्या कोई तेरी बीवी से जिना करना चाहे, क्या तू इजाजत दे सकता है? कहा हरगिज नहीं दे सकता। जब कोई तेरी मेरी बेटी से जिना करना चाहे, क्या तू इस बात को पसंद कर सकता है? कहा हरगिज पसंद नहीं कर सकता। कोई तेरी बहन से जिना करना चाहे, क्या तू इस बात की इजाजत दे सकता है? कहा नहीं दे सकता। तो फिर हुजूर ने कहा, नादान, फिर तू जिससे जिना करना जाएगा वो भी तो किसी की बीवी होगी, वो भी तो किसी की मां होगी, वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी
की बीवी होगी जब तू उसके साथ अपने माँ बाप अपनी बहनों को अपनी घर की खवातीन के साथ ये गुनाह पसंद नहीं करता तो तू किसी और की बेटी के साथ जिना कैसे कर सकता है, किसी और की बीवी के साथ गुनाह कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका का ये दो लम्हे का खिताब उस मुसलमान के दिल पर ऐसे गुजरा, मुसलमान ने सजदे में सर रखा, सारी जिंदगी खाली ख्याल का तौबा करके जिंदगी गुजार दिया, ख्याल का तौबा करके जिंदगी गुजार दिया कि मैं कितनी बड़ी गंदी ख्वाहिश लेकर फिर रहा था, कैसी बदतरीन तमन्ना अपने दिल में पाल कर फिर रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज्जज शामीन इकराम, जरा गौर तो करो, जरा गौर तो करो कि आज मुआशरे के अंदर बड़े मसाइल खराब चल रहे हैं। मुसलमान गुनाह पर गुनाह, खता पर खता कर रहा है। मुअज्जज शामीन इकराम, गुनाह और तौबा ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब गुनाह होता है तो मुसलमान को तौबा करना ही करना है, और तौबा आज हम करने के लिए बैठे हैं। तौबा तीन चीजों का नाम है, याद रख ले। कल्ले पीटने का नाम तौबा नहीं है, कान खींचने का नाम तौबा नहीं है। अक्सर मुसलमान यही करते हैं, कल्ले पीटते हैं, समझते हैं ये तौबा हो गई, नहीं है, इसका नाम तौबा नहीं है। दोस्तों तौबा तीन चीजों का नाम है। कितनी चीजों का नाम है? तीन चीजों का नाम तौबा है। मुअज्जज शामीन इकराम, पहली चीज देखिए कि आपने हमने जो गुनाह किया उस गुनाह को गुनाह समझना, पहली चीज है गुनाह को गुनाह समझना। दूसरी चीज है उन गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होना, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होना। अल्लाह अकबर, ये नदामत आज हमारे पास खत्म हो गई मेरे भाई, ये नदामत खत्म हो। इसीलिए मुसलमान आज जमीन पर अकड़ अकड़ के चल रहा है, मुसलमान अकड़ के चल रहा है। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्तरखान के ताल्लुक से रिवायत बयान करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी टेका लगाकर खाना नहीं खाया, टेक लगाकर कभी खाना नहीं खाया। और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी लाइफ में, पूरी 63 साल हयात में कभी ऐसा शहनशाहों की तरह ऐसा नहीं बैठे, टेक लगाकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने शहनशाहों की तरह, बादशाहों की तरह, रईसों की तरह, तवंगरों की तरह हुजूर कभी टेक लगाकर नहीं, पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी नहीं बैठे। सहाबा इकराम आपके लिए तकियों का इंतजाम करते, जिसमें घास भरी हुई होती उन तकियों का इंतजाम करते, आका अलैहिस्सलाम उन्हें रहने देते मगर उसका टेका इस्तेमाल नहीं करते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप कुछ देर के लिए राहत के लिए टेक ले लें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देखो मैं टेक लेकर कैसे बैठूं, क्योंकि मेरा रब हमेशा मुझे देखता रहता है, जब मेरा रब मुझे देखेगा तो मैं शहनशाहों की तरह कैसे बैठ सकता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझे देखे और मैं उसके दरबार में गुलाम बनकर बैठा रहूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो अपने रब को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने रब की मोहब्बत को निभाने के लिए पूरी जिंदगी टेक नहीं लगाए दोस्तों। और आज हमारी ये हालत है, गुनाह करके भी अकड़ने से बाज नहीं आते हैं। हमारे उतना बड़ा गुनाहगार खुदा की कसम इस जमीन पर कोई नहीं है मेरे भाई। आप समझ रहे होंगे मौल साहब आप अपने आप को बोल लो, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, माफी चाहता हूं अगर तकलीफ हुई हो तो, मेरे उतना बड़ा गुनहगार तो इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हमारी गुना खताएं नेकी है, आप जरा एक मिनट के लिए सोच ले मेरे भाई, क्या नेकी है हमारे पास? ना नमाजों की पाबंदी हमारे पास, ना वालिदैन के सही हुकूक हमारे पास, ना रोज़ों की सही इबादत हमारे पास, ना सहर और इफ्तार की सही जो है पाकिजगी हमारे पास, ना तो तरावी की नमाज हमारे पास, ना तो ज़कात का सही इस्तेमाल हमारे पास, ना कुरान की तिलावत का शौक़ और जज्बा हमारे पास। अगर गिनते चले जाऊं मगरिब हो जाएंगी, एक जगह भी आप ये नहीं कह सकते मौल साहब खुदा की कसम ये एक अमल में मैं 100% हूं, आप नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता मेरे भाई। अरे 100% तो छोड़ दीजिए, 10% भी हम ये नहीं कह सकते मैं 10% इस अमल पर अमल कर रहा हूं। ना तिजारत के मसाइल में हमारे पास अल्लाह की बंदगी, ना अज़दवाजी जिंदगियों में हम अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, ना औलाद के हुकूक में अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, ना माँ बाप की खिदमत के मामले में अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ना पड़ोसियों के हुकूक की बात है, ना मुसलमानों के हुकूक की बात है, ना अल्लाह के घर की हुकूक की बात है। आप किसी भी जाविये से चले जाए खुदा की कसम आप जब अंदाजा कर लेंगे, पैमाने को नापना शुरू करेंगे तो नतीजा निकलेगा हमसे बड़ा गुनहगार इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर फिर भी अल्लाह की रहमत है ना मेरे भाई, आज फलस्तीन की हालत देखो मेरे भाई, बेचारे कैसे मुसीबतों और परेशानियों और रंजो अलम के आफात के। अरे एक मां रोना चाहती है तो रोना भी उसके लिए मौत बन गया है, रोना भी नहीं आ रहा है उसके सामने, उतना बड़ा अजाब, उतनी बड़ी मुसीबत आके खड़ी हुई है। मगर ये अल्लाह का कितना बड़ा रहमत है, रहमत है, रहमत है कि आप जितने लोग यहां बैठे सबके घर में कपड़े सिल गए अल्हम्दुलिल्लाह,
कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की। सुबह के घर में ईद की तैयारी हो चुकी है, सुबह के घरों के अंदर खुशियों के सामान जमा हो चुके हैं, मगर आज वो मुल्क है जहां सामान तो सामान मेरे भाई लाखों की तादाद में, आज उस मुल्क में खाना नहीं है, इफ्तारी करने के लिए खजूर नसीब नहीं है उनको, सहरी करने के लिए पानी नसीब नहीं है उन लोगों को। आज मेरा रब हम पर इतना रहमान है कि सब कुछ दे चुका है, सब अता कर चुका है, और फिर अल्लाह आज जुमातुल विदा में सारे मुसलमानों को इस मस्जिद में जमा करके एक ही बात पूछ रहा है, मुसलमानों इतनी नवाजिशात के बाद भी क्या तुम तौबा नहीं करोगे? अल्लाह अल्लाह, इतनी नवाजिशात के बाद भी तुम गुनाहों से बाज नहीं आओगे? इतने इनाम और फजल के बाद भी तुम अपने रब के दरबार आज आंसू नहीं बहाओगे? अल्लाह पूछ रहा है, इतनी नवाजिशात के बाद भी अभी भी शैतान से दोस्ती नहीं छोड़ोगे? इतनी नवाजिशात के बावजूद भी क्या तुम अपने रब को राजी करने की कोशिश नहीं करोगे? आज रब हमसे खिताब कर रहा है दोस्तों। दोस्तों, नदामत इंसान को जरूरी है। क्या नदामत है आज हमारे पास? अरे वो जिना 10 मिनट का गुनाह है मेरे भाई, जिना 10 मिनट का गुनाह, उसकी 10 मिनट की लज्जत के लिए इंसान सैकड़ों 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 साल अपने आप को दोजख के हवाले कर रहा है। अरे दोजख में चले जाए मुझे परवाह नहीं है, रब नाराज हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, रात को खाना खिलाने वाला रब, बिस्तर पे लेटते ही आराम से नींद देने वाला रब, सुबह उठे तो कारोबार पे नौकरी तिजारत मुलाजिमत तैयार करके रखने वाला रब बंदों से एक सवाल कर रहा है, मेरे बंदे मैं तुझे इतना दे रहा हूं, तू जवान हुआ मैंने तेरे लिए शादी का इंतजाम कर दिया, बंदे तू जवान हुआ फिर शादी हुई फिर तेरे मेरे लिए औलाद का इंतजाम कर दिया, बंदे तेरी औलाद बड़ी हो रही है मैंने पालने का इंतजाम कर दिया, तू घर मांगता था मैंने झोपड़ पट्टी और रोड के कचरों से तुझे निकालकर आलिशान घरों में जगह दे दिया, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे मांगता था मैं अता करते जाता हूं, फिर भी ऐ बंदे तू मेरी बारगाह में आकर तौबा नहीं करता, फिर भी अकड़ता फिरता है, फिर भी अपने गुनाहों पर गुरूर तकब्बुर का मरकज बना हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से सवाल करता है, आज जवाब देने की जरूरत है दोस्तों। आज याद रखो उस परवरदिगार को आज हमसे यह सवाल कर रहा है। फिर उसके बाद रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, बंदो तौबा 3 किस्म का नाम है। पहली चीज, गुनाह को गुनाह समझो, गुनाह को गुनाह समझो। दूसरी चीज, गुनाहों पर नदामत इख्तियार करो, नादिम हो जाओ, झुक जाओ। अकड़ने की जरूरत नहीं है, गुरूर की जरूरत नहीं है, रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं है, मां बाप के सामने अकड़ने की जरूरत नहीं है, खानदान के बड़ों के सामने अकड़ने की जरूरत, झुक जा बंदे, मुझे मेरे रब होने की कसम, तू एक बार मुझे झुक जा, तू जितना झुकते जाएगा मैं तुझे उतना बुलंद करता चला जाऊंगा, मैं तुझे बुलंद कर दूंगा, तू लोगों के सामने आजीज हो, आजीजी का पैकर बन जा, इनकिसारी का पैकर बन जा, मुझे मेरे रब होने की कसम लोगों के दिलों में तेरा मर्तबा उतना ही बुलंद करता चला जाऊंगा। मुअज्जज शामईन इकराम, फिर तीसरी चीज फरमाया कि अब इस बात का अहद करो कि फिर तुम कभी अपनी जिंदगी में गुनाह नहीं करोगे, आइंदा ये गुनाह जो हो गए आइंदा ये गुनाह नहीं करोगे, आइंदा इस किस्म की बदकारियां खताएं लफ्जिशें तुम नहीं करोगे, इसका नाम तौबा है। मुअज्जज शामईन इकराम, फिर उसके बाद बाज बुजुर्गों ने दिन फरमाते, तौबा की 4 किस्में हैं। पहला, गुनाह को गुनाह समझना, दूसरा, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होना, तीसरा, गुनाह के ना करने का पक्का अहद करना, और चौथा, आइंदा फिर कभी वो गुनाह ना करना, फिर कभी वो गुनाह ना करना, ये है तौबा। असल गुनाहों के करीब ना जाने का नाम तौबा है मेरे भाई। आज हम इस बात को समझे ही नहीं है, लेकिन हमारी गुज़िश्ता जिंदगी में इतने बड़े गुनाह हो गए हैं। मुअज़्ज़ज़ शामईन इकराम, हमको शर्म आनी चाहिए कि हम इतने बड़े गुनाह करने के बावजूद भी अपने रब के दरबार में तौबा करने से डरे हुए हैं, भागे हुए हैं, भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ शामईन इकराम, एक बार हुजूर ताजदार कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में सहाबा इकराम से दोजख का खिताब फरमा रहे थे, दोजख से मुतअल्लिक खिताब फरमा रहे थे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने उस दोजख वाले खिताब को समाअत किया और उसके बाद उनके ऊपर क्या असरात मुरतब हुए देखिए। जब सहाबा इकराम ने उस खिताब को समाअत किया तो मुअज्जज़ शामईन इकराम उस मजलिस में हजरत सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जलवागर थे, हजरत उमर इब्न खत्ताब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خطاب جلیلہ کو سماعت کیا جس میں دوزخ کا تذکرہ ہے, دوزخ کے عذابات کا تذکرہ ہے, دوزخ کے رہنے والوں کا ذکر ہے, دوزخ کے اندر کی ہولناکی کا ذکر ہے, دوزخ کے اندر کی تباہ کاریاں اور اس کی آگ کا ذکر ہے, اللہ اکبر کبیرہ. معزز شامعین کرام, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذکر کو سنا تو کیا کیفیت ہوئی, حضرت عمر چیخ مارے, زمین سے اچھلے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے, بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. پھر اس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا, زارو خطار روتے روتے مجلس رسول سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے, گھر میں گئے, مصلی بچھائے اور اپنے توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے, اپنے رب سے معافی مانگنے لگے, کہتے رہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اے اللہ اپنے عمر کو معاف فرما دے, اے اللہ تیرے بندے عمر کو معاف فرما دے, اس طریقے کی دعائیں کرنے لگے. معزز شامعین اکرام, ذرا غور کیجئے گا, پورا دن ایسے ہی حضرت عمر کا گزر گیا. پھر اس دن میں صرف نماز کو آئے, نماز پڑھ لی اور چلے گئے, آقا علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکے, کیونکہ دل میں یہ خیال تھا میں اتنا بڑا گناہگار ہوں, میں اپنے آقا سے کس حساب سے ملاقات کروں, یہ بات پر خاموشی سے چلے جاتے رہے. حضور نے دیکھا کہ آج دن بھر عمر کی ملاقات نہیں ہوئی, دوسرا دن فجر کا وقت آیا, حضرت عمر سے ملاقات نہیں ہوئی, دوسرا دن بھی بیت گیا, حضرت عمر سے ملاقات نہیں ہوئی, تیسرا دن آ گیا, فجر کی نماز کا وقت ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد نماز فجر صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں, صحابیو تم میں سے کسی نے میرے عمر کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر, صحابیو تم میں سے کسی نے میرے عمر کو دیکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں ہاں میں نے آج عمر کی آواز سنی ہے. حضور پوچھتے ہیں کہاں سنی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ اپنے گھر میں ہیں, اور میں نے آج فجر کی نماز کو جب آ رہا تھا تو یا رسول اللہ ان کے گھر کی دہلیز سے کچھ پانی بہ کر جا رہا تھا, میرا قدم اندھیرے میں اس پانی پر پڑ گیا, تو میں نے اندر آواز دی اے عمر ابن خطاب یہ جو پانی بہ رہا ہے جس کا میرے پیروں کو پانی لگ گیا ہے, اگر یہ پانی پاک ہو تو کہہ دو میں مسجد کو چلا جاتا ہوں, اگر ناپاک ہے تو کہہ دو میں گھر کو جاتا ہوں, جا کر پھر سے غسل کر کے نماز کو جاتا ہوں. حضرت عمر نے روتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا اے صحابی جاؤ جا کر غسل کر لو, وہ عمر کے گناہوں کے بہتے ہوئے آنسو ہے, وہ گناہگار کے بہتے ہوئے آنسو ہے, وہ خطاکار کے بہتے ہوئے آنسو ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا کہ حضرت عمر اتنا رو رہے ہیں کہ ان کے آنسو بہتے بہتے دہلیز کے باہر نکل گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. معزز شامعین اکرام, ذرا غور کرو, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اقدس میں جب یہ بات صحابی سنائے, نبی پاک نے فرمایا صحابیو جاؤ عمر کو اٹھا کر لے آؤ, عمر کو بلا کر لے آؤ. صحابہ اکرام گئے حضرت عمر کے پاس, جب پہنچے تو حضرت عمر میں روتے 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 چلنے کی قوت بھی نہیں تھی, صحابہ ان کو اپنے کندھوں پر ڈال کر اٹھا کر سرکار کے دربار میں لے آئے, آقا علیہ السلام کے دربار میں لے آئے, حضور کے سامنے بٹھایا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کی اس کیفیت کو دیکھا, دیکھ کر پوچھا کہ عمر کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پرسوں دوزخ کا تذکرہ کیا تھا, وہ دوزخ کے خوف سے رو رہا ہوں یا رسول اللہ, وہ دوزخ کے خوف سے رو رہا ہوں, آقا اگر اس دوزخ میں مجھ کو ڈال دیا جائے گا تو کیا میں اس کے عذاب کو برداشت کر سکوں گا, کیا میں اس کے عتاب کو برداشت کر سکوں گا, کیا اس آگ کی تپش کو برداشت کر سکوں گا, کیا اس کی گرمی کی شدت کو برداشت کر سکوں گا, یا رسول اللہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا, اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ میرے جو بھی گناہ ہو گئے معاف کر دے, مگر مجھے دوزخ میں نہ ڈال, مجھے دوزخ میں نہ ڈال, مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے, بس یہی دعا کرتے ہوئے رو رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اے عمر سن لے, تو وہ ہے جس کا نام سن کر شیطان بھی کانپ جاتا ہے, عمر سن لے تو وہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا تھا, اے عمر سن لے تو وہ ہے, آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں وہ ساری نیکی تو تاروں کے ممالک تیری نے کیا ہے, عمر سن لے تو وہ ہے, تو جس گلی سے گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے, اے عمر تم تو اتنے بڑے نیکوکار ہو کہ تمہارے تم رب کی بارگاہ کے مقبول بندے ہو, تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں اس خوش فہمی میں رہتا کوئی خطا ہو جاتی اور دوزخ میں چلا جاتا تو کیا کرتا, اس لیے میں نے پہلے ہی توبہ کا انتظام کر لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی توبہ کا انتظام کر لیا ہے. ذرا سوچو دوستو, وہ عمر جن کا نام سن کر شیطان کانپ جائے, جن سے نہ خطا ہو نہ لغزش, جن سے نہ گناہ ہو نہ جرم, وہ عمر جب توبہ کرتے
जाते हैं और ऐसी तौबा कि आंसू बहकर दहलीज के बाहर चले जाए, आंसू बहकर भीग भीग कर निकल जाए। रिवायात में आता है हजरत उमर का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, देखने वाले लोगों ने उस जमाने में हजरत उमर को देखा कि रोते रोते आंसू जो बहते थे, उन बहने वाले आंसुओं की नालियां आपके गाल पर पड़ गई थी, आपके कल्लों पर आंसुओं के बहने की नालियां पड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर इतना रोते थे दोस्तों, जबकि गुना गुनाह था, न खता थी, न लग्जिश थी, न सियाकारी थी, न बदकारी थी, वो इतना रोते थे। हमारे पास तो गुनाहों के अंबार जमा है, खताओं के अंबार जमा है, लग्जिशों के अंबार जमा है, तो फिर हमें कितना रोना चाहिए, हमें कैसी मुआफी उस परवरदिगार से मांगना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों एक ईमान की बात बताऊंगा, आपका ईमान ताजा भी हो जाएगा और गुनाह की तौबा का जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मुअज्जज साबिद इकराम, अल्लाहु अकबर, सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रात मुसल्ला बिछाई, अपने घर में अल्लाह के दरबार तौबा कर रही है, अपने रब के दरबार आजिज़ी व इंकिसारी वो इख्तियार की हुई है। मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा ने देखा कि सय्यदा कायनात मुसल्ले पर सर रख कर रो रही है। आका अलैहिस्सलात वस्सलाम के इस गुलाम ने देखा कि आप आजिज़ी में हैं, आपने खामोशी अख्तियार की, लेकिन फिर उसके बाद वो सिसकियों की आवाज़ अपने उनके हुजरे अक्दस से निकली। अब बाजू में रसूल अल्लाह का हुजरे अक्दस है, सरकार के हुजरे अक्दस में पहुंच गया। वो सिसकियों की आवाज सरकार के हुजरे अक्दस में पहुंची। हम मेरे आका अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी फातिमा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अर्ज करती है, बाबा जान आज फातिमा इसलिए रो रही है ताकि उसका रब उसको माफ फरमा दे, ताकि उसका रब उसको माफ फरमा दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे अक्दस से निकले, अपनी बेटी फातिमा के हुजरे में गए और उनको उठाकर सीने से लगाया, लगाकर फरमाया, बेटी फातिमा तेरे रब ने तुझको जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया है, तू जन्नत की मालिका है। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत की मालिका बन गई, ये रब का फजल है, मेरे रब की अता नवाजिश है, मैं जन्नत की मालिका बन गई, लेकिन ये मेरी बंदगी है कि मैं तौबा कर रही हूं, ये मेरी गुलामी का सबूत है कि मैं तौबा कर रही हूं। अरे वो नेकोकार होकर बंदगी का हक समझते थे कि तौबा कर लिया जाए, बंदगी का फायदा समझते थे, रब को मना लिया जाए, माफी चाह लिया जाए, बंदगी का उसूल समझते थे, आजीजी वो इनके सारी अख्तियार करके सजदों में सर रख दिया जाए। मगर आज अफसोस है दोस्तों, इतने बड़े बड़े गुनाहों के बावजूद भी ना तौबा का जज्बा पैदा हो रहा है, ना रिया, ना तौबा की आजीजी का जज्बा पैदा हो रहा है, ना माफी मांगने का ख्याल पैदा हो रहा है। यह मैं इतनी बातें करता हूं, मेरे बाज भाई यहां से सुनते हैं, बाहर निकल कर ये सोचते हैं, बस भाई मौलाना लोगों का काम है, वो लोग बोलते रहते हैं, हमको क्या गरज है। अल्लाह अकबर कबीरा। ईद का दिन आता है, मुसलमान फिर से नमाज छोड़ देता है, फिर से मस्जिद वीरान हो जाती है, फिर से मुसलमान अल्लाह को भूल जाता है, फिर से मुसलमान मुसीबतों अजाबात मुफलिसों के गड़ों में कूद जाता है। जब मुसीबत आती है अल्लाह के दरबार में फिर आता है, मौला रहमान है, फिर माफ करता है, फिर भाग कर जाता है और अल्लाह को फिर भूल जाता है, फिर बदकारी में मुलव्विस हो जाता है। अल्लाह अकबर। है मुसलमान भाइयों, ये बंदगी का हक नहीं है। सय्यदा कायनात कह रही है, मुझे जन्नत का मालिक बनाया ये अल्लाह का हक था, उसकी बारगाह में तौबा करना ये मेरी बंदगी का हक है, ये मेरी बंदगी का हक है कि मैं तौबा करूं। मगर मेरे भाई वो तो गुनाहगार थे, ना खताकार, ना सियाकार थे, ना बदकार। अरे अल्लाह अकबर कबीरा। वह तो अल्लाह के महबूब थे तो इतनी बड़ी तौबा करते थे, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो खूब तौबा करना चाहिए। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, आज भी तौबा करेंगे, आज रात में भी तौबा करेंगे और तीन दिन बचे हैं उसमें भी खूब तौबा करेंगे, खूब गिरिया विजारी करेंगे, अपने रब से माफी चाहेंगे। मुअज्जज शामीन इकराम, हजरत सय्यदुना इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं अल्लाह के एक बहुत बड़े वली, बुजुर्ग, फकीह और बहुत बड़े आलिम दीन का नाम है। हजरत इमाम शाफई जमाने के अइम्मा में सरदार माने जाते हैं। वो इमाम शाफई की बेटी
एक रात मुअज्जज़ शामीन इकराम अपने बाबा जान के साथ किसी मजलिस में खिताब को गई हुई थी। हजरत इमाम शाफई अपनी बेटी जवान बेटी को अब औरतों की मजलिस में ले गए और वहाँ खिताब फरमाए। रब की बारगाह में नाराज़गियों का जिक्र हुआ कि रब कैसे नाराज़ होता है, किन आमाल से नाराज़ होता है। फिर वो नाराज़गियों का जिक्र करते हुए अजाब खबर का, खबर की हालात का तज़किरा फरमाए। जब हजरत इमाम शाफई की बेटी घर वापस आई तो मुसल्ला बिछाई और खूब रोने लगी, नवाफिल पर नवाफिल पढ़ने लगी, गिरिया विजारी करने लगी, खूब रोने लगी, खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, रात नींद से बेदार हुए, अपनी बेटी लखते जिगर नूरे नजर से पूछा, बेटी किस बात ने तुझे रुला दिया, किस बात ने तुझे रुला दिया? इमाम शाफई की बेटी अर्ज करती है, बाबा जान आपने कल रात खबर का तज़किरा किया था, बाबा जान आपने कहा था खबर बड़ी अंधेरी होती है, उसमें मसलने की जगह भी नहीं दी जाती है, दोज़खियों पर वो तंग कर दी जाती है, गुनाहगारों के लिए वो अज़ाब का गढ़ा बना दी जाती है। बाबा जान मैं उसी खबर को याद कर कर परेशान हूं। इमाम शाफी फरमाते हैं, बेटी तसल्ली लो और आराम से सो जाओ, तुम्हारा रब तुम पर मेहरबान है, वो बख्शने वाला है। इमाम शाफी की बेटी जवाब देती है, बाबा जान मैं सो ही रही थी लेकिन जब बिस्तर पे सर लेटी, तकिए पे सर रखी, मुझे खबर याद आ गई और मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने चाहा कि अब बिस्तरों पर नींद आने से खबर के अजाब से मैं बच नहीं सकती, बिस्तरों की आराम देह, बिस्तरों की नींद मुझे खबर के हौलनाकी से बचा नहीं सकती, मेरा रब मुझे बचा सकता है। इसलिए या ए मेरे बाबा जान, मैंने अपने रब को राजी करने के लिए मुसल्ला पकड़ लिया है, अब मैं उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं जाऊंगी जब तक मेरा रब मुझको खबर के अजाब से बचाने की खुशखबरी नहीं दे देता। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा जज्बा था तौबा का दोस्तों, ऐसी उनकी कैफियत थी, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आज इस दुनिया में हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है तो फिर हमारी तौबा कैसी होनी चाहिए, हमारी इस्तगफार कैसी होनी चाहिए? अजी सुन ले खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज दिन में 70 मरतबा अपने रब की बारगाह में इस्तगफार का तोहफा पेश करते थे, इस्तगफार का नजराना पेश करते थे, इस्तगफार की नजर पेश करते थे। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आप रात रात भर खड़े होकर क्यों अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं कि आपके पैरों में वरम जमा हो रहा है, आपके पैर सूज रहे हैं, या रसूल अल्लाह फिर आप इस्तगफार भी करते हैं, आका क्यों इतनी तौबा, क्यों इतनी नमाज, क्यों इतने इस्तगफार अपने रब के दरबार पेश करते हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ आयशा क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अल्लाह के आजिज बंदों में शुमार किया जाऊं, अल्लाह के आजिज बंदों में शुमार किया जाऊं ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। वो रब है, वो अपनी खुदाई का इजहार करते हुए कहता है, ऐ हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। वो इनको राजी कर रहा है, वो उसकी कुदरत है, ये अपने रब को राजी कर रहे हैं, ये इनकी बंदगी है। मुअज्जज़ सामईन इकराम, रब तो दे ही दे रहा है, क्या नहीं दिया हमको, आप जरा हिसाब कीजिए, सब कुछ दे दिया, ये रब की अता थी, आज तौबा कर ले, ये बंदगी की गुलामी, ये गुलामी का सबूत है, ये बंदगी का सबूत है। इसी आजिजी के साथ आज इस मजलिस से जाएंगे दोस्तों कि हम तौबा का जज्बा लेकर जाएंगे, इस्तगफार का जज्बा लेकर जाएंगे, ईमान का जज्बा, ईमान की कैफियत लेकर जाएंगे, खूब अपने रब से माफी मांगेंगे। मुअज्जज़ शामीन इकराम, आओ चंद देर हम उस रब की बारगाह में इस मुकद्दस जुमातुल वदा के मौके पर तौबा व इस्तगफार कर लेते हैं, तौबा व इस्तगफार कर लेते हैं, गिरिया बिजारी कर लेते हैं, आहो बुका कर लेते हैं ताकि वो रब हमारी पुकार को सुन ले और हमें माफ फरमा दे, हमें बख्श दे, हमें रहमतों से सरफराज कर दे, हमारे नवाजिशात और इनायात हम पर नाजिल कर दे। जो नेमतें मिल गई वो मिल गई, जो नहीं मिली उन नेमतों को आज हम इंशाल्लाह अपने रब के दरबार से हासिल करने की कोशिश करते हैं, सच्चे दिल के साथ, नदामत वाली, शर्मिंदगी वाली आंसुओं के साथ रब की बारगाह में अपने सरों को झुकाकर, बड़ी आजीजी व इनकिसारी के साथ बैठकर अपने रब की बारगाह में दुआ कर लें दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर ज़रूर मेहरबान हो जाएगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद
حرماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اے پاک پروردگار عالم مولا تو بڑا رحمان ہے تو بڑا رحیم ہے تو بڑا کریم ہے اے اللہ تو ستار ہے تو غفار ہے اے الہ العالمین ہم تیرے گناہگار خطاکار سیاکار بدکار بندے ہیں اے پروردگارا مولا تیرے گناہگار بندے آج تیرے دربار اقدس میں حاضر ہے مولا اے اللہ ہم سے بڑا گنہگار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم سے بڑا خطاکار آج اس دنیا میں کوئی نہیں ہے مولا نہ ہم میں نماز کا عمل ہے نہ ہمارے پاس روزوں کا عمل ہے نہ زکات و حج کا عمل صحیح ہے نہ تقویٰ ہے نہ پرہیزگاری ہے اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں مولا ہم بڑے خطاکار ہیں مولا تجھ کو تیرے پیارے مصطفیٰ کا واسطہ تجھ کو تیرے پیارے اولیاء اللہ کا واسطہ تجھ کو تیرے پیارے محدثین مفسرین محققین کا واسطہ تجھ کو تیرے پیارے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا واسطہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے مولا جمعۃ الوداع ہے یہ مبارک گھڑیاں گزر جائے گی تو گنہگاروں کو معافی نہیں ملے گی اے اللہ ہم نے گناہوں سے معافی کے لیے سال بھر اس دن کا انتظار کیا آج یہ دن آ گیا یہ دن جانے سے پہلے معاف فرما دے معاف فرما دے مولا معاف فرما دے مولا اے گناہگاروں کی پکار سننے والے رب اے گنہگاروں کی خطاؤں گاروں کی آواز سننے والے پروردگار معاف فرما دے معاف فرما دے مولا بہت بڑے گنہگار ہیں مولا دانستہ نادانستہ بہت گناہ کر چکے مولا شیطان کے شر میں پھنس گئے مولا بدکاریوں پر بدکاریاں کر چکے ہیں مولا آج معافی دے دے مولا آج معافی دے دے اپنے نبی کا صدقہ دے دے سیدہ کائنات کا صدقہ دے دے مولا علی کا صدقہ دے دے حضرت غوث اعظم کا صدقہ دے دے حضرت غریب نواز کا صدقہ دے دے ہمارے اپنے پیران کامل کا صدقہ دے دے اے اللہ آج مجلس میں نکلنے سے پہلے ہماری بخشش کا اعلان فرما جمعہ کی نماز شروع ہونے سے پہلے ہماری مغفرت کا اعلان فرما ہم پر آئی ہوئی مصیبتوں کو دور فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما رنج و علم کو دور فرما آفات و بلیات کو دور فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے راضی ہو جا مولا ہم سے راضی ہو جا مولا ہمیں اپنے در کی خیرات دے دے مولا ہمیں اپنی در کی خیرات دے دے مولا ہمیں معاف کر دے مولا اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو ہم سے ناراض نہ ہو مولا ہم سے ناراض نہ ہو مولا تو اگر ناراض ہو جائے گا تو ہم کدھر جائیں گے ہم کس کو آواز دیں گے ہم کس کو پکاریں گے ہم کس کو صدا دیں گے میرے مولا تو ہم سے ناراض نہ ہو ہم گنہگاروں سے راضی ہو جا مولا ہم گنہگاروں سے راضی ہو جا مولا ہم خطاکاروں سے راضی ہو جا مولا ہم سیاہکاروں سے راضی ہو جا مولا آج بخش دے مولا آج بخش دے مولا آج بخش دے مولا آج معاف کر دے مولا آج ہم کو اپنی گناہگاروں کی فہرست سے نکال دے مولا آج دوزخیوں کی فہرست سے ہمیں نکال دے مولا آج عذابیوں کی فہرست سے ہمیں نکال دے
दे मौला, आज बदकारों की फेरी से हमारा नाम मिटा दे मौला, आज अता कर दे मौला, आज रहमत का खजाना लुटा दे मौला। ये मुकद्दस घड़ी है जिसका तूने वादा किया है, इसमें बख्श दूंगा, इसमें घड़ी में बख्श दूंगा, इस जुमा में बख्श दूंगा, इस वक्त में बख्श दूंगा, आज बख्श दे मौला। आज बख्श दे मौला, ए फातिमतुज़्ज़हरा के परवरदिगार, आज बख्श दे मौला, ए आयशा व खदीजा के परवरदिगार, हम गुनहगारों को बख्श दे, ए गौसो खाजा के रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, ए मुस्तफा जाने रहमत को चाहने वाले खुदा हमें बख्श दे, तेरे प्यारे महबूबों का वास्ता हमें माफ कर दे, हमारी बख्शिश का ऐलान कर दे। आज मगर इस मस्जिद से हम निकले जन्नती बन के निकले मौला, मगफिरत वाले बनकर निकले मौला, ऐसे पाक होकर निकले जैसे अपनी माँ के पेट से पाक होकर पैदा हुए थे मौला। ऐ अल्लाह आज हमको गुनाहों को माफ कर दे, तुझको तेरे प्यारे मुस्तफा का वास्ता, सारे अंबिया व सारे रसूल का वास्ता, सारे औलिया अल्लाह का वास्ता। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र दराज फरमा दे, हमारे माँ बाप की उम्र दराज फरमा दे, हमारे माँ बाप की उम्र दराज फरमा दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे, उनके गुनाहों को वो हमको अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, हम कुछ उनके लिए नहीं कर सकते, बस तेरे दरबार में उनकी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, उनके गुनाहों को माफ कर दे। हे अल्लाह हमारे माँ बाप, जिसके भी माँ बाप इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी बख्शीश फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनको दोज़ख के अज़ाब से बचा ले, उनको दोज़ख से निकाल दे मौला। ऐ अल्लाह मुसलमान भाइयों पर जो भी परेशानी आई है दूर फरमा दे, मुसलमान भाइयों पर जो भी रंजो अलम आए हैं दूर फरमा दे, गुनाहों की वजह से बदकारियों की वजह से आजमाइश के तौर पर जो भी बलाएं आई दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह सब पर रहम फरमा, सब पर करम फरमा, हमारे भाइयों हमारे बहनों पर रहम फरमा, उनको बलाओं बीमारियों से बचा ले, मुसीबतों परेशानियों रंजो आलम से बचा ले। ऐ अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, फलस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा, फलस्तीन की औरतों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह खालिद बिन वलीद का गुलाम फलस्तीन में पैदा कर दे मौला, मौला अली का कुत्ता फलस्तीन में पैदा कर दे मौला, उमर इब्ने खत्ताब का गुलाम फलस्तीन में पैदा कर दे मौला, फिर से सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा तेरा बंदा फलस्तीन में पैदा कर दे मौला, फिर से कासिम बिन अब्दुल्ला जैसा तेरा बंदा फलस्तीन में पैदा कर दे मौला, फलस्तीन की माओं की इज्जतों को बचा ले, फलस्तीन की माओं की इज्जत और इस्मत की हिफाजत कर मौला, छोटे बच्चों पर बम गिर रहे हैं उन बच्चों को बचा ले मौला।
मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, मुसलमान तबाह हो रहे हैं। मुसलमानों की हिफाजत कर मौला, मुसलमानों की हिफाजत कर मौला, मुसलमानों की हिफाजत कर मौला। ए अल्लाह, दुनिया में हर जगह मुसलमान परेशान है, मुसलमानों की हिफाजत कर, मुसलमानों की हिफाजत कर, मुसलमानों की मदद पे आ जा मौला, मुसलमानों की मदद पर आ जा मौला। या रसूल अल्लाह, मुसलमानों की मदद फरमाइए। या रसूल अल्लाह, फलस्तीन पर मदद पर आ जाइए। सीरिया के मुसलमानों की मदद फरमाइए, सीरिया के मुसलमानों की मदद फरमाइए, मिस्र के मुसलमानों की मदद फरमाइए। मेरे आखा, मेरे आखा, आपकी उम्मत आपको पुकार रही है, उम्मत की तरफ नजरे करम फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह, नजरे करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, नजरे करम फरमाइए। हजरत फातिमा का वास्ता, या रसूल अल्लाह, नजर करम फरमाइए। आपकी पैती में आराम करने वाले अबू बकर उमर का वास्ता, हम गुनागारों पर नजर करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, आपके प्यारे उस्मान वाली का वास्ता, हम गुनागारों खताकारों पर नजर करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह, उम्मत परेशान है, आलमी सतह पर उम्मत तबाह हो रही है सरकार, उम्मत बर्बाद हो रही है सरकार, यहूदी और कुफार गालिब आ रहे सरकार, उम्मत की मदद के लिए आ जाइए मेरे आका, उम्मत की मदद के लिए आ जाइए मेरे आका। या रसूल अल्लाह, आपको प्यारे हुसैन का वास्ता, करबला वाली सारे शहदा का वास्ता, गुनहगारों की मदद फरमाइए मेरे आका, बदकारों की मदद फरमाइए मेरे आका। फिर से अपने सच्चे गुलामों को पैदा कर लीजिए, फिर से दुश्मनों को नीस्त तो नाबूद कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, आखा, आपके चंद गुलाम यहां बैठे हुए हैं, इनमें जो कोई बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता कर दीजिए, इनमें जो कोई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दीजिए, इनमें जो कोई गमजदा है उसके गम को दूर कर दीजिए, इन पर कोई भी बलाएं आइए मेरे आखा, आपकी नालैन अक़दस का आपको वास्ता, अपने गुलामों की मुसीबत को आज ही खत्म कर दीजिए मेरे आखा, आज ही खत्म कर दीजिए मेरे आखा। कोई कोर्ट कचहरी के मसलों में फंस गया, कोई दिन के उनके चक्करों में फंस गया, कोई किसी की आफत और मुसीबत में फंस गया, मेरे आखा, आज सबको बरी कर दीजिए, आज सबको बरी कर दीजिए, आज जुम्मतुल विदा का सदका दे दीजिए मेरे आखा, आज जुम्मतुल वदा की खैरात दे दीजिए मेरे आखा। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपको पुकार रही है, मेरे आखा, हमको बरोजे महशर बचा लीजिए, हमको बरोजे महशर बचा लीजिए, हमको खबर के अजाब से बचा लीजिए, हमको अंधेरी खबर से बचा लीजिए, उस हौला की और ताबलाकी से बचा लीजिए। या रसूल अल्लाह, जब आप अंधेरी खबर में आएंगे, हमको छोड़कर मत जाइए मेरे आका, हमको छोड़कर मत जाइए मेरे आका, उस अंधेरी खबर को जन्नत का गढ़ा बना दीजिए, जन्नत का महल बना दीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं शर्मे उठेंगे तो ये कुत्ते परेशान होंगे, ढूंढ कर हमको अपने दामन में छुपा लीजिए या रसूल अल्लाह, हमको अपनी रहमत में छुपा लीजिए या रसूल अल्लाह, मैदान महशर के अजाब से बचा लीजिए, मैदान महशर की हौलाकी से बचा लीजिए। या रसूल अल्लाह, जब नामा आमाल आपकी उम्मत का, हम गुनहगारों का तोला जाए, सीधे हाथ में नामा आमाल दीजिए या रसूल अल्लाह, सीधे हाथ में नामा आमाल दीजिए या रसूल अल्लाह, सीधे हाथ में नामा आमाल दीजिए या रसूल अल्लाह। आका, जब पुल सिराज से गुजारा जाएगा, आपको आपके रब का वास्ता, हमारे लिए अपनी रहमत वाली चादर बिछा दीजिए आका, हमको बिजली की तरह गुजार दीजिए आका, जिब्रील अमीन के परों को बिछा दीजिए आका, अपने गुनहगारों को बड़ी आसानी से गुजार दीजिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप पर मेरे बच्चे कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आज
उम्मत की मदद को आ जाइए आका, आज उम्मत की मदद को आ जाइए आका, आज उम्मत पर मेहरबान हो जाइए आका, आज उम्मत की मदद कर दीजिए आका। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके गुनहगार पुकार रहे, पुकारने को सुन लीजिए, हमारी बिपता को सुन लीजिए, हमारी दास्तानों को सुन लीजिए, हमारी हम पर रहमत और फजल फरमाइए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप जिस तरह अपनी उम्मत की अब तक मदद फरमाए हैं, आज हम गुनहगारों की भी मदद फरमाइए मेरे आका, हमारे लिए मेरे आका, दुनिया में भी बेहतरी फरमाइए, आखिरत में भी बेहतरी फरमाइए, दुनिया के अजाबात से भी बचाइए, आखिरत के अजाबात से भी बचाइए, हमको हमारे ख़ानदान वालों को खुशियां ही खुशियां नसीब फरमाइए, अपने रब की बंदगी अता कीजिए, अपनी ग़ुलामी में हमारा नाम भी लिख लीजिए मेरे मौला, अपने ग़ुलामों में हमारा नाम लिख लीजिए मेरे आका। या रसूल अल्लाह, गुनाहगारों की सदाओं को, गुनाहगारों की इस आवाज़ को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, हमारे दरमियान बारान रहमत का नुजूल फरमा, रहमत वाली बारिश का नुजूल फरमा, करम और फजल वाली बारिश का नुजूल फरमा, रहमत उम्मत को कामयाब करने वाली बारिश का नुजूल फरमा, उम्मत को सरफराज करने वाली बारिश का नुजूल फरमा, अपने बंदों को हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाने वाली बारिश का नुजूल फरमा। इस दुआ को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया सिद्दीकीन, शहदा सालेहीन, औलियाए कामिलीन और तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े में, बिलखुसूस सरकार गौसे आज़म के सदक़े में, सरकार गरीब नवाज के सदक़े में, तेरे प्यारे औलिया अल्लाह के सदक़े में हमारी इस दुआ को कबूल फरमा, हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। हमको ना उम्मीद मत लौटा मौला, हमको ना उम्मीद मत लौटा मौला, हम अपने हाथों को तो गिरा रहे हैं, मगर तू अपनी रहमत को मत रोक मौला, तू अपनी रहमत को मत रोक मौला, तू अपनी रहमत को मत रोक, हमें आज अता कर दे मौला, आज नवाज दे मौला, आज सरफराज कर दे मौला, आज इनायत की बारिश अता कर दे मौला, आज हमको हमारी झोलियों में तेरी रहमत डाल दे मौला, आज हमारी झोलियों में तेरी बारगाह से मगफिरत को उंडेल दे मौला, बख्शिश को उंडेल दे मौला। इस उम्मीद के साथ दुआ खत्म करते हैं कि तूने हमारी दुआ कबूल फरमा ली है, इस उम्मीद के साथ दुआ खत्म कर रहे हैं कि तू हमें बख्श दिया है, इस उम्मीद के साथ हाथों को वापस ले रहे हैं कि तूने हमें माफ कर दिया है। प्यारे नबी का वास्ता हमारी उम्मीदों को पूरा कर ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लून अलन नबी या अय्युहल